देखो इधर, दो सर्कल है आपके पास, एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है। इनको कंबाइन करके जो बड़ा सर्कल बनाया है उसका रेडियस कैपिटल R है। इसकी सर्कमफ्रेंस, अब यहाँ देखो आपके पास ये रिलेशन गिवन है सर्कमफ्रेंस का, द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स बी 19 एंड 9, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज द सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज टू सर्कल। आपने इसका रेडियस निकालना है। कंडीशन इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल दैट इज 2 पाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल R1 प्लस 2 पाई स्मॉल R2, ये गिवन है ठीक है, कि इसकी सर्कमफ्रेंस जो है इन दोनों के सम के इक्वल है, ये गिवन है आपको ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, देख के ही पता चल रहा है, बहुत इजी है, बताओ। टू टू पाई कॉमन, 2 पाई R इज सेम, टेक 2 पाई कॉमन, इट विल बी R1 प्लस R2, 2 पाई 2 पाई कैंसिल, कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, स्मॉल R1 इज 19 एंड दिस इज योर 9, दैट इज 28 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है। फ्रॉम दिस वी हैव गॉट द रेडियाई ऑफ द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, जो न्यू सर्कल था उसका रेडियस आ गया 28। पहले तो लिमिट कर सकते हैं। कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, रीड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, देखो सर्कमफ्रेंस के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, एरिया। सेम वे में स्टार्ट करेंगे, राइट डाउन, स्टार्टिंग बिल्कुल सेम है, स्मॉल R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ द टू स्मॉल सर्कल्स एंड कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग सेम है। नाउ फॉर द सेकेंड क्वेश्चन यू विल डू पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वेयर प्लस पाई R2 स्क्वेयर, टेक पाई कॉमन, पाई कैपिटल R स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर, कैंसिल, कैपिटल R स्क्वेयर इज इक्वल टू R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर एंड रेडियस एट एंड सिक्स, 8 स्क्वेयर 6 स्क्वेयर 64 प्लस 36 100, R इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। वहां पे स्क्वेयर नहीं था ना, वहां स्क्वेयर है। नाउ रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख लो, रेडियस कांट बी नेगेटिव, सो कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, बुक कहाँ है आपकी? कल बाहर फेंक देना क्लास से। और कौन है विदाउट बुक? क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन नंबर थ्री, द फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद 5
scoring region from the center outward as gold. First region is gold. इसका radius देखो कितना है. Diameter 21 है. Diameter 21 है तो radius कितना होगा R1? 21/2. Decimal में avoid करना, fraction में रखना, ठीक है? Mistake नहीं होगी उससे. Radius R1 ये आ गया. Diameter given था first region का. इसका radius निकाल लिया. अब देखो इस गोल्ड वाले रीजन का निकालना है एरिया. एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, दैट विल गिव यू एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन. एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इज पाई आर वन स्क्वेयर, ठीक है? 22/7, आर इज 21/2 इंटू 21/2. करो सॉल्व, आंसर बताओ. ये डेसिमल में फाइंड करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है आगे. फ्रैक्शन में भी रख लेना, डेसिमल में दोनों चाहिए. जहां पे जैसे सुटेबल होगा वैसे यूज कर लेंगे. थ्री फोर सिक्स पॉइंट फाइव नहीं, ठीक है. ये पॉइंट ठीक है, दोनों ही लिख लिए हमने. दोनों चाहिए मैंने कहा, रख लेते हैं दोनों. जो जरूरत होगी वो यूज करेंगे, ठीक है? देख लेंगे नेक्स्ट पार्ट में. अब सुनो क्या करना है. अब आपको कहता है जो सेकंड वाला है ना, ये फर्स्ट हो गया आपका. अब सेकंड में क्या कहता है, ये जो गोल्ड वाला रीजन है इसका रेडियस हो गया 21/2. इसके बाहर जो रेड वाला रीजन है ना, इसका एरिया निकालना है. जैसे एरिया ऑफ रिंग फाइंड करते थे, याद है? एरिया ऑफ रिंग कैसे फाइंड करते थे? आउटर माइनस इनर. अंदर वाले का आपने पहले से फाइंड कर लिया. अब आपने क्या करना है, बड़े सर्कल का एरिया निकालना है और उसमें से ये वाला सर्कल ये निकाल देना है. तो ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा. इस रेड पोर्शन का एरिया निकालना है, ठीक है? रिंग का एरिया निकाले. तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आउटर वाले सर्कल का रेडियस चाहिए. इसकी जो विड्थ है ना वो 10.5 है. ये भी तो 10.5 ही है. 21 का हाफ क्या होता है? 10.5. ये भी 10.5 है, ये विड्थ भी 10.5 है. इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया? 10.5 प्लस 10.5 21 हो गया. इसका मतलब सेकेंड वाले का जो रेडियस हो गया दैट इज 21. आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 10.5 प्लस 10.5 21 सेंटीमीटर रेडियस आ गया बड़े वाले सर्कल. ये कौन सा सर्कल का ये रेडियस है? आउटर मतलब जिसमें रेड भी इंक्लूड है और गोल्ड भी इंक्लूड है. बात समझ आई? और अब हमें सेकेंड पार्ट में सिर्फ रेड वाला रीजन चाहिए, तो गोल्ड वाले को एक्सक्लूड करना है, मतलब माइनस करना. अब पहले आप बड़े सर्कल का एरिया निकालोगे. एरिया ऑफ सर्कल, ये कौन सा सर्कल है? रेड प्लस गोल्ड. क्लियर है? ये बड़ा सर्कल के अंदर दोनों ही आ रहे हैं, तो ये आपको क्या दे रहा है? रेड प्लस गोल्ड दोनों ही दे रहा है. तो इसका एरिया आएगा पाई आर टू स्क्वेयर 22/7 इंटू 21 इंटू 21. करो सॉल्व, आंसर फाइंड करो. 22 इंटू 63, आंसर बोलो क्या आएगा? करो मल्टीप्लाई. 1 कौन सा रेडियस? ये 10.5 है रेडियस अंदर वाला, और इसकी विड्थ भी 10.5 है. डिवाइड करके 10. या 21.2 या पॉन ही ले लो. और ये क्या है? 10.5. 10.5 को डेसिमल हटा के अपॉन 10 आ जाएगा. कटिंग करके वो भी 21/2 ही है. हाँ, तो मिला के वो दोनों का हाफ ऑफ है ना, तो इन पूरा फुल बन जाएगा. अब ये आ गया आपके पास. अब आपने क्या निकालना है? एरिया ऑफ रेड रीजन. राइट डाउन एरिया ऑफ रेड रीजन इज कैसे फाइंड करेंगे? आउटर 1386 माइनस 346.5. क्या आएगा?
1039. Yes. ये आ गया रेड रीजन का एरिया. अब ऐसी ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है. अब नेक्स्ट जो सर्कल है उसमें ब्लू वाला फाइंड करना है, ब्लू एरिया. तो क्या करेंगे, इस वाले रेडियस में ये देखो एक और सर्कल आएगा. ये 21 पहले से है, ये 10.4 10.5 और आ गया. 21 प्लस 10.5 31.5. अब बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे 31.5 रेडियस लेके, उसमें से ये जो एरिया है रेड प्लस गोल्ड ये माइनस कर देंगे. कौन सा, ये वाला. ठीक है, इतना ही कर लेते हैं एक पार्ट और, बाकी आप खुद करना. ठीक है, एक पार्ट और कर लेते हैं. राइट डाउन R3 इज इक्वल टू, R3 फाइंड करेंगे ना, R3 यहां लिख लेते हैं इसकी जगह पे. R3 इज इक्वल टू 21 प्लस 10.5. 10.5 का मतलब क्या है, 21/2 ही है ये भी. ठीक है, तो वो जरूरत हो तो वो भी लिख सकते हो, 31.5. ठीक है, एरिया ऑफ ये कहां कौन सा आएगा, ब्लू थोड़ी आएगा, ब्लू अभी थोड़ी, ब्लू तो माइनस रेड प्लस गोल्ड प्लस ब्लू. इसमें से ये देखो, ये रेड गोल्ड और ब्लू तीनों ही है ये. इसमें से जब आप रेड और गोल्ड हटा दोगे तो क्या रह जाएगा, ब्लू. तो इसका मतलब आपने इन दोनों को माइनस करना है, और ये दोनों कौन से हैं, ये वाला. ठीक है, चलो ये फाइंड करना है. पाई आर थ्री स्क्वेयर, आर थ्री क्या है यहाँ पर, 31.5 करो मल्टीप्लाई, आंसर बोलो. बोलो वो वाली वैल्यू लेते हैं, एरिया फ्रेंड रीजन की, हमने आर का सी लिया. तो अगर उसकी जगह हम वो वाला एरिया लेते हैं 1.9, तो वो क्यों लेते हैं, वो तो सिर्फ रेड वाले रिंग का एरिया है. हमने हाँ दोनों, हमने क्या करना है, बाहर वाला जितना एक्चुअली भूल जाओ कि इसके अंदर कुछ है, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लेना है, पूरे के अंदर सारा कुछ आ रहा है ना, फिर इनको माइनस कर देंगे. इसको मतलब जिसको आप प्लस करने की बात कर रहे हो ना, ये फिर इसको माइनस कर देंगे, फिर वहां से ब्लू रिंग का एरिया आ जाएगा. ये आ गया 3118.5. ये किसका आया है, तीनों सर्कल्स का मिला के एरिया आया. अब इसमें से रेड और गोल्ड वाला रिमूव करना है, दैट विल गिव यू एरिया ऑफ द बिग ब्लू पोर्शन. ठीक है, राइट डाउन एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज 3118.5 माइनस 1386. बोलो क्या आएगा, 17. ठीक, पहले एक मिनट फिगर देखो, आपको सिर्फ ब्लू चाहिए. ये देखो ये तीन सर्कल हैं, इस पूरे का एरिया जो है ना वो ये है. आपको चाहिए कौन सा, आपको ये नहीं चाहिए, आपको ये नहीं चाहिए, आपको कौन सा चाहिए, ये वाला. तो ये दोनों ही हटाओगे, एक हटा के क्या करोगे, एक को रिमूव करने से तो रेड आना था, वो आ गया. अब आपको ये दोनों ही नहीं चाहिए, तभी जाके ये ब्लू पोर्शन आएगा ना, इसलिए क्या हुआ, क्या कह रहा है ये, इधर होके बैठो, दांत अंदर करो, इधर हो और इधर हो, हाँ इधर हो जाओ हिमांशु. आप भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन आपने जूनियर क्लासेस में किया हुआ है, एक बार बताओगे जरा किस टाइप का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बताओ कौन सा लगेगा. व्हील है आपको ये डिस्टेंस कवर्ड बता रहे, जैसे रोड रोलर वाला क्वेश्चन था. ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन,
ये फॉर्मूला लगेगा, एन मीन्स नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इंटू सर्कमफ्रेंस, जिस जो जो भी चीज है ना, जैसे इस टाइम तो व्हील है, उसकी सर्कमफ्रेंस, अगर व्हील की जगह रोड रोलर होता तो उसकी बाहर वाला, बाहर क्या होता है, बाहर वाला पोर्शन क्या होता है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो जो हम सॉलिड शेप्स करेंगे, अभी आएगा ना अगले टर्म में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वहां पर भी ऐसा क्वेश्चन, तो उस वाले केस में हम कर्व्ड सरफेस एरिया लेते हैं। यहाँ पर व्हील का आउटर पोर्शन, जो पोर्शन रोड के साथ टच होता है, वो वाला लेना है, तो वो क्या होगा, सर्कमफ्रेंस 2πr, ठीक है, दैट विल गिव यू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब यहाँ पर क्या है, जो टोटल डिस्टेंस आपको व्हील का डायमीटर गिवन है, डायमीटर से क्या आ जाएगा, रेडियस, ठीक है, लिखो डायमीटर गिवन है, देखो कितना 80, राइट डाउन, डायमीटर इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ जी, देखो जी, आपके पास डायमीटर गिवन है, दैट इज 80 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस जो है वो गिवन है 66 किलोमीटर पर, नहीं स्पीड गिवन है, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम गिवन है 10 मिनट, सबकी यूनिट चेक करो, ये आवर्स है, ये मिनट है, ये किलोमीटर है, ये सेंटीमीटर है, एक में कन्वर्ट करेंगे सबको, किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर को सेंटीमीटर में लाएंगे या सेंटीमीटर को लेके जाएंगे, किस में लेके जाएंगे, जल्दी बोलो किस में लेके जाएंगे, मीटर में लेके जाएंगे, ये जो 66 किलोमीटर है ना, इसको भी मीटर में ले जाओ, इसको भी मीटर में ले जाओ, और ये जो आर्स है, ये 60 मिनट का स्पीड दे रखी है, 60 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर करते हैं, तो 1 मिनट का आ जाएगा, 1 मिनट के बाद 10 मिनट्स का आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, तो हम एक ही यूनिट इसमें, इसको भी मीटर में लेके जा रहे हैं, उसको भी मीटर में लेके जाएंगे। अब देखो यहाँ पे स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, स्पीड और टाइम से डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस आप यूज करोगे जो फॉर्मूला अभी बताया था खुशी ने, एन इंटू सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस यहां से आ जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपने फाइंड करने हैं, डायमीटर से क्या आ जाएगा, रेडियस से सर्कमफ्रेंस, ठीक है, या पाई डी अगर फॉर्मूला लगाते हो तो डायरेक्टली सर्कमफ्रेंस भी आ जाएगा, 2πr होता है ना, तो 2 और r को कंबाइन करो d बन जाएगा, तो पाई डी से भी हो जाएगा, ठीक है, राइट डाउन, रेडियस निकाल लेते हैं, जरूरत होगी तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी यूज कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली वैसे चेंज कर लो, एक बार 100 से डिवाइड करोगे ये मीटर बन गया, ठीक है, चलो इतना ही लिख लो अभी, आप रेडियस रहने तो वैसे ही लिख लिया, इसको यूज कर लेंगे, 80 सेंटीमीटर था, 100 से डिवाइड करा, मीटर में कन्वर्ट हो गया, अब राइट डाउन डिस्टेंस कवर्ड इन, स्पीड दे रखी है, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, दैट इज 60 मिनट, इज 66,000 मीटर, ये क्लियर है, यूनिट इकट्ठे ही चेंज कर दी, 1 आवर को लिख लिया 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 1 मिनट में डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 66,000 अपॉन 60, कितना आ गया 1100, डिस्टेंस कवर्ड इन कितने में निकालना है, 10 मिनट 11,000 मीटर्स, ठीक है, डिस्टेंस आ गया 11,000 मीटर, डिस्टेंस कवर हो रहा है 10 मिनट में, टाइम यूज करना था हो गया, ये भी यूज हो गया, अब इसकी बारी है, अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, राइट डाउन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस है 11,000, सर्कमफ्रेंस 2πr होती है, या पाई डी भी लिख सकते हैं, पाई डी, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ डायरेक्टली, 22/7
इंटू डी इज 0.80 पाई डी, ठीक है, है? हाँ लिख सकते हैं, ठीक है, क्यों लिख सकते हैं पता है, क्योंकि अगर यहां से जीरो हटाते हो, 100 लिखते हो, तो भी तो जीरो कैंसिल ही हो रही है, तो जितनी मर्जी बार जीरो लगा दो, बात तो एक ही है, एक लगाओगे तो एक जीरो लगानी पड़ेगी, दो डिजिट लगाओगे तो दो, बात तो एक ही है, तो इसलिए 0.8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 7 ऊपर ले जाओ, 11,000 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू, ठीक है, इसका डेसिमल हटा दिया, 80/100 बन गया, जीरो कैंसिल, 10 को मैंने ऊपर ले लिया, इसकी कटिंग कर लो, 1000 अपॉन 2 आ जाएगा यहां से कटिंग करके, ठीक है, इसकी कटिंग कर दो 500 और कटिंग कर दो, देखो क्या आता है आंसर, हैं 35,000/8, हाँ डिवाइड कर लो, फोर थ्री सेवन फाइव, फोर थ्री सेवन फाइव, इतने रेवोल्यूशन लिया उस व्हील ने, तब जाके वो 10 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक है, टाइम कितना रहता है, 11:16, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार ये देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, हाँ जी, हाँ एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, बहुत इजी है, एमसीक्यू टाइप है, देखो बोलो लास्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत इजी है, रीड करो पहले स्टेटमेंट, क्या कह रहे हैं, सेम है, फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व कर लिया, बोल के बताओ करना क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज सेम एज एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, सर्कमफ्रेंस जो है सर्कल की वो बिल्कुल सेम है एरिया ऑफ द सर्कल का, सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr, एरिया क्या होता है, दोनों को इक्वल कर दो, लिखो 2πr इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सिट डाउन, 2πr इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, 2πr इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल, 2r इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अच्छा आपको एक बात बताएं, ये जो है ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इन आर है, जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू जीरो लिखते हो, फिर x कॉमन लेते हो, क्वाड्रेटिक है, x की दो वैल्यूज आएंगी, आप तो एक बता रहे हो रेडियस 2, देखो सेम टाइप का है ये, यहां से x इधर x इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू 2, दो आंसर आ रहे हैं ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर भी, अगर आपको किसी ने बताया हो तो ये क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइजेशन में भी बताते हैं ये बात, सेम है ये बिल्कुल, तो ये कैंसिल मत करना, यहाँ क्वाड्रेटिक इन आर है, ये बन जाएगी आर स्क्वायर माइनस टू आर इक्वल टू जीरो, आर कॉमन, इधर रेडियस विल बी जीरो और रेडियस इज इक्वल टू 2, रेडियस जीरो हो नहीं सकता
नॉट पॉसिबल, किस लिए एक वैल्यू आ रही है, पर डिस्कस तो दोनों ही करनी है ना क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्यों ना लगाते, लग रही है तो लगानी है। अगर आपसे कोई ऐसे ही पूछ ले व्हाट आर द, ये ना पूछे रेडियस क्या, व्हाट आर व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, तो टू जीरो और टू दोनों ही होंगी, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे रेडियस जीरो नहीं हो सकता, एक्स तो जीरो हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक बनानी है तो वैल्यूज जीरो नहीं हो सकती, इसलिए उस केस में भी नॉट पॉसिबल है। बता सकते हो क्यों एक्स जीरो नहीं हो सकता? क्योंकि हमें जब हम कोई इक्वेशन लेते हैं तो उसमें अगर एक्स खुद ही जीरो हो जाएगा तो वो इक्वेशन रहेगी ही नहीं, एक्स तो खुद ही जीरो हो गया ना, तो इक्वेशन नहीं रहेगी, इसलिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन डिस्कस दोनों ही केस करने हैं। अब तो एमसी की हुआ है तो वो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना, पर जब सॉल्व करने के लिए आता है तो दोनों ही लिखने थे आंसर में, वहां नॉट पॉसिबल आएगा, ठीक है। अब देखो इधर, ये जितना भी अभी तक आपने किया ये तो जनरल था जो आप पहले भी करके आए हो। अब जो मेन टॉपिक है ना इस चैप्टर का, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट हो रहा है। मैं एक दो मीनिंग बता रही हूँ, फिगर ड्रॉ कर रही हूँ सर्कल का, एक दो कंसेप्ट बताने हैं वो कर लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखेंगे। देखो इधर, सर्कल ड्रॉ करो, सर्कल ड्रॉ करो एक, देखो इधर, ये जिसकी भी आवाज आ रही है ना मुंह बंद करो अपना, सेंटर वो आ गया, जैसे पिज्जा होता है उसमें से एक इसकी स्लाइस कट की, तो वो जो पोर्शन बाहर आप निकालते हो उसे क्या कहते हैं, सेक्टर। तो ये इसका क्या है, सेक्टर। अब ये जो सेक्टर है ना, इस चैप्टर में हम यही तीन टर्म पढ़ेंगे, सेक्टर, सेगमेंट और क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। ये और अब देखो इधर, ये जो पोर्शन है ना ये सेक्टर है, अब आपने इसका निकालना है एरिया। ये जो सेक्टर बन रहा है ये यहां पर कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा, जितना भी, अब सब कुछ डिपेंड करता है इसके एंगल के ऊपर, जितना एंगल है उसके हिसाब से इसका एरिया आएगा। अगर इसका एंगल छोटा है, सपोज 30 डिग्री है, तो इसकी एरिया लेस आएगा। अगर इसका यही एंगल 90 हो जाए, 120 हो जाए, तो एरिया उस स्लाइस का उतना ही ज्यादा आएगा। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करना है, ये जो थीटा है, ये जो एंगल है, इसको अभी थीटा ले रहे हैं, थीटा कुछ भी हो सकता है, 30, 60, 45। ये जो थीटा है इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा, ये पूरे 360 एंगल में से ये थीटा है, तो इसकी रेशियो क्या आ गई, थीटा अपॉन 360 इनटू पूरा कंप्लीट फुल सर्कल का ये पार्ट है, इनटू पाई आर स्क्वायर। बात समझ आई, पूरे सर्कल के एरिया में से जिसका एंगल 360 बन रहा था सेंट्रल एंगल, उसमें से थीटा की रेशियो निकालनी है आपने कंप्लीट एंगल 360 के साथ, और पूरे इस पोर्शन में से ये स्लाइस का एरिया जो है पूरे के कंपैरिजन में इस रेशियो में आ जाएगा। आपको ये बात समझ आई कि एक पूरा सर्कल है जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर है, उसमें से ये छोटे वाले पोर्शन की रेशियो जो है पूरे एंगल के साथ ले ली, मतलब इतना एंगल इस पूरे में से हमने एक्सक्लूड कर लिया, मतलब ये रिमूव कर दिया। अगर ये एंगल थीटा है तो व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल, 360 माइनस थीटा। एक और बात, जो छोटे वाला पोर्शन है, जैसे ये इस टाइम पे ये माइनर सेक्टर है, माइनर मतलब छोटा पोर्शन है, और ये क्या है, मेजर। तो मेजर का एरिया अगर निकालना होगा तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 360 माइनस थीटा, बस इतना ही फर्क है। जब माइनर की बात कर रहे हैं तो थीटा आएगा, जब मेजर सेक्टर की बात करेंगे तो थीटा विल चेंज टू 360 माइनस थीटा, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम। क्लियर, ये फॉर्मूला लिख लो और सेक्टर ड्रॉ भी कर लो। ये हो गया सेक्टर आपका। अब इसके बाद है लेंथ ऑफ आर्क। आर्क क्या होती है, जब सर्कल की बाउंड्री पे कोई दो पॉइंट ले लिए जाएं, इस बाउंड्री के ऊपर कहीं पर भी दो पॉइंट ले लिए जाएं, तो ये बन जाएगी आर्क, ठीक है, कहीं पर भी दो पॉइंट ले लो ये बन जाएगी आर्क। अब इसकी लेंथ फाइंड करनी है। अब ये जो लेंथ फाइंड करनी है ना, ये लेंथ किसका पोर्शन है,
सर्कमफ्रेंस का, तो जिस तरह से यहाँ पर एरिया आया है इसकी जगह आ जाएगा 2πr, बस इतना ही फर्क है। बात समझ आई? जब हम एरिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आएगा, जब हम लेंथ ऑफ आर्क की बात कर रहे हैं तो ये जो लेंथ है इट इज अ पोर्शन ऑफ द कंप्लीट सर्कमफ्रेंस, तो ये जो रिप्लेस हो जाएगा दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय 2πr, और ये सेम है, ये सेम है। राइट डाउन, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। अब एक मिनट यहां देखना जरा, एक फॉर्मूला ये लिख दिया, एक फॉर्मूला अभी और लिख दिया, थीटा अपॉन 360 टू पाई आर। ये जो दो फॉर्मूले है ना इनमें एक रिलेशन है, बता सकते हैं? मतलब इस फॉर्मूले से ये बन सकता है, इस फॉर्मूले को क्या किया जाए कि ये ऐसा बन जाए सेम। क्या कर दे? हाँ तो रेड नहीं, इक्वल नहीं, मैं ये कह रही हूं आपको एक फॉर्मूला बनता है यहां से। आप सोच के आना, ये एक रिलेशन है कि लेंथ ऑफ आर्क को किससे मल्टीप्लाई करें कि एरिया ऑफ सेक्टर बन जाए। ये फॉर्मूला है, बुक में नहीं दिया हुआ, इसी से बनेगा। अब आपने सोच के आना, ये देखो ये सेम है लेकिन एक ही डिफरेंस है, यहाँ आर डबल है यहाँ सिंगल है। अगर एक और आर आ जाए तो ये आर स्क्वायर बन गया, लेकिन ये टू एक्स्ट्रा है, आर बाय। हाँ सोच के आना, ऐसे पूरा फॉर्मूला बनता है, बना कल बताना जरा क्या बनेगा।